Today is a colorful day, so it should be colored, not black and white. First, you enjoy the time lapse, then I'll back to you. इंडियन ब्लॉग तो हो भी लगता है टाइम लैप्स सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं तैयार हो रखा हूँ तो थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक आज का कंटेंट क्या है सो गाइस आज है मेरी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी और ऑब्वियसली मेरा आज ऑफ है तानी का भी ऑफ है तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँ क्योंकि मेरे को काफ़ी कमेंट आए हैं कि आपका वीडियो काफ़ी लंबा है तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो काफ़ी छोटा हो सो गाइस मैं यहाँ से जाऊँगा देरा और देरा से मैं तानी को पिकअप करूँगा फिर हमें जाना है मॉल मॉल में थोड़ा सा हमें दो चार चीज़ें लेनी है शॉपिंग करनी है हम जाने वाले हैं एक सीक्रेट जगह पर जहाँ पर आज हम अपना फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी इन्जॉय करने वाले हैं सो वो कहाँ पर हम जाने वाले हैं क्या क्या हम करने वाले हैं आज आपको आने वाले टाइम पता चल जाएगा तो अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ मैं चाहता हूँ सीधा रशीदिया और फिर मिलता हूँ आपको लेट्स गो मैं रशीद स्टेशन में आ गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ देरा सी यू लेटर गाइज मैं पहुंच गया हूं देरा सिटी सेंटर और अब मैं जा रहा हूं तानी को लेने के लिए उसको मैं गार्डन में मिलूंगा जहां पे आपने देखा होगा पहले तो वो भी गार्डन में आएगी 1 2 2 बैग्स तो ऑलमोस्ट मैं तानी के होटल तक पहुंच गया हूं और तानी की बस आई थिंक आई नहीं है मुझे वेट करना पड़ेगा तो गाइज आज मौसम तो काफ़ी अच्छा है पूरे बादल लगे हुए हैं बट हल्की सी धूप हो रही है ज़्यादा धूप नहीं हो रही है अच्छा है मौसम आज अच्छा है तो तानी के लिए मैं कुछ लाया नहीं आया मैं रोज़ ढूंढ रहा था तानी के लिए बट मुझे रोज़ मिला नहीं कुछ बुके टाइप का मैं सोच रहा था उसके दूँ क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है फर्स्ट सो लगता है मुझे ऐसे ही मिलना पड़ेगा ऐसे ही फ़िलहाल मैं काम करता हूँ छोटा सा यही ले लेता हूँ तानी को यही दे दूँगा अभी मेरे पास है नहीं तो इसी से काम चलाना पड़ेगा यहाँ से मैं देख सकता हूँ तानी की बस अभी आई नहीं है आई थिंक ऑलमोस्ट आने वाली होगी 2-3 मिनट में तो मैं वेट करता हूँ और देन आई विल बैक टू यू काफ़ी धूप हो गई है और तानी को देख के मुझे गुस्सा भी आ रहा है क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट करा दिया उसने 5 मिनट ओके सो गाइस हम दोनों मिल गए हैं और तानी सो टुडे इज आवर फर्स्ट एनिवर्सरी हाउ यू फीलिंग टेक टू सो टुडे इज आवर फर्स्ट एनिवर्सरी सो हाउ यू फीलिंग टुडे Take 3. So today is our first marriage anniversary. How are you feeling, Tani, today? Feeling too much happy. हमने इतनी लड़ाइयाँ करी कि पूछो मत एक साल में इतनी लड़ाई इतना प्यार यही होता है प्यार भी होता है लड़ाई भी होती है तभी जाके एक रिलेशनशिप बनता है लड़ाई के बिना प्यार के बन ही नहीं सकता तो एक साल कैसे निकलेगा पता ही नहीं है तो वी आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड सो मेनी विशेस कम्स फ्रॉम द पीपल द रिलेटिव फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर द विशेस दैट यू गिव टू अस तो अभी धूप निकल रही है फिर ज़्यादा और हमें जाना है कलरफुल जगह मैंने आपको बोला ना आज का दिन कलरफुल है ब्लैक एंड वाइट नहीं तो कलरफुल क्यों है वो मैं आपको बताऊँगा वैसे आपको पता चल गया वो थंबनेल देख के बट फिर भी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा अभी हमको जाना है शॉपिंग के लिए देरा सिटी सेंटर मॉल देरा सिटी सेंटर मॉल यहीं पर है आप देख सकते हैं कहाँ गया इसके पीछे है वो देरा सिटी सेंटर मॉल सो अभी हम वहाँ जाने वाले हैं कुछ हमें सामान लेना है हमारे पास ऑलरेडी कितना सामान है देखो ये तानी का बैग मेरा बैग ये कैमरे के लिए और ये तानी का नॉर्मल जो होता है गर्ल्स बैग तो इतना सारा सामान लेके हम जा कर रहे हैं पूरी तैयारी के साथ हम जा रहे हैं क्योंकि आज का दिन हमें इंजॉय करना है तो गाइस अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता अभी हम चलते हैं सीधा मॉल और मॉल से होने के बाद मैं आपको मिलता हूँ बाय Thank you.
से निकलने के बाद हमने थोड़ा जो काम था वो कर लिया और उसके बाद हमने अपना लंच किया रेस्टोरेंट में। तो लंच करने के बाद अभी हो गया है शाम के 4 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुका है और अभी मैं और तानी बहुत ज़्यादा थके हैं। जो हमारी जर्नी थी वो बहुत ही कैसी जर्नी थी तानी बता नहीं सकते, वी आर सो मच टायर्ड। सो टिकट ले लिए हैं 2 और अभी हम हैं मिरेकल गार्डन में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप यहां से आ सकते हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स से। अगर आपको यहां बाई बस आना है तो आप बाई बस आ सकते हैं मॉल ऑफ एमिरेट्स से। सबसे पहले आपको मेट्रो से मॉल ऑफ एमिरेट आना पड़ेगा और उसके बाद वहां से आपको बस पकड़नी पड़ेगी F30 जो कि सीधा मिरेकल गार्डन आएगी और मिरेकल गार्डन से आप फिर टिकट ले कर अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो एक टिकट है 40 दिरहम का, मैंने अभी 2 टिकट लिए हैं मेरे लिए तानी के लिए और अभी हम इंजॉय करने वाले हैं यहाँ पर। तो इससे बड़ा मिकी माउस आपने देखा नहीं होगा, दिस ऑल फ्लावर्स। अभी हमें मिरेकल गार्डन में, और ये मिरेकल गार्डन जो है किस चीज़ के लिए जाना जाता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर लाखों लाखों तरह के फ्लावर्स हैं और दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स, यू कैन सी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स देयर इज। सो यहाँ पर ढेर सारे लाखों तरीके के फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे। और गाइज ये जो मिरेकल गार्डन है ये सिर्फ ठंडियों में खुलता है, मतलब ये नवंबर में खुलता है और अप्रैल मई तक ही खुला रहता है। तो जब तक ठंडियाँ रहती है तब तक ही खुला रहता है क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरे फ्लावर्स है, फूल वगैरह हैं, तो गर्मियों में ये तो खिल नहीं सकते तो मुरझा जाते हैं, तो इसलिए सिर्फ ठंड में खुलते हैं। और यहाँ पे इतने तरह के फ्लावर्स हैं जो कि सिर्फ ठंड में ही खुल सकते हैं। तो तानी तो फिलहाल मज़े ले रही है, थोड़ा अरेबिक सॉन्ग चल रहा है तो सॉरी फॉर द नॉइज़। फूलों का चमकता महल हो, ओ माय गॉड। तानी तानी कहाँ जा रहे? तानी सो सो मच टायर्ड। तानी सी व्हाट्स अप। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आप इस तरह से ड्रेस पहन सकते हैं, इसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा और यहाँ पे आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं। तो कितना कूल फोटो यहाँ पर आएगा आप देख सकते हैं, वाओ। और ये है पाइनएप्पल। सो यहाँ पे आप घर देख सकते हैं, ये सारे गाइस फूल से बने हुए हैं। हम शाम को आए, सुबह चला था मैं 10-11 बजे और आते आते पूरी शाम हो गई, ऑलमोस्ट 4:30 हो गए। तो किसी का भी अगर बच्चा खो जाए या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो जाए तो सीधा सिक्योरिटी फ़ोन करती है, कृपया करके यहाँ पे आइए, आपका बच्चा मिल चुका है। थैंक यू। सो गाइस मैं यहाँ पे आ गया हूँ और तानी फिलहाल अभी वॉशरूम में है और आप मेरी हालत देख सकते हैं, जैसे कि 1 बैग 2 बैग 3 बैग, मैडम ने मेरे को 3-3 बैग पकड़ा के घुमा रही है। तो वाओ वाओ, ऐसा वेदर और ऐसा व्यू, माय गुडनेस, इट्स लाइक अ हेवन। एज यू कैन सी द व्यू, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, इट्स लाइक यू आर गेटिंग मैरिड दिस टाइम एंड यू कैन सिट हियर। ओह माय गॉड, पूरा हार्ट बना हुआ है और यहाँ पे है ईगल। सो ये पूरा घर बना हुआ है। सो यार देख सकते हैं आप कितने तरह के फूल हैं यहाँ पर, ये पूरा फूल है। आपको फूल तोड़ना अलाउ नहीं है यहाँ पर, आप सिर्फ दूर से देख सकते हैं, फूल बिल्कुल भी आपको तोड़ना अलाउ नहीं है। और ये पूरा हार्ट की शेप में बनाया हुआ है, देखिए अलग अलग कलर से। तो मैं और तानी तो खूब सारी फ़ोटो खिंचाने वाले हैं
और जब इतनी दूर आए हैं, इतनी मेहनत करके आए हैं, आज का दिन स्पेशल है, तो हम दोनों वीडियो बनाने वाले हैं खूब सारी और फोटोज़ खींचने वाले हैं खूब सारी और खूब मस्ती करने वाले हैं। तो फिलहाल लोग, खूब सारे लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर चारों तरफ को फैले हुए हैं और सबके सब कोई सेल्फी ले रहा है, कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। आई एम सो एक्साइटेड टू स्टार्ट माई जर्नी हियर। लोगों ने इतने बड़े बड़े कैमरे पकड़ रखे, इतने बड़े बड़े DSLR पकड़ रखे, सब फ़ोटो वोटो खींच रहे, मस्त हो रखे। ओ इतना बड़ा ईगल, ओह सही बड़ा ईगल। तो अभी मैं और तानी उस तरफ को जाने वाले हैं, फिलहाल मैं तानी का वेट कर रहा हूँ, तानी उधर है, शी इज़ स्टिल इन द वॉशरूम। सो तानी के पास चलता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी बड़ी घड़ी है यहाँ पर। सो ये भी पूरा फ्लावर से डेकोरेट किया गया है और यहाँ पर जो है लाइव शो है, सॉन्ग्स वगैरह यहाँ पे गा रहे हैं। तो और यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, ये सबसे टॉप है, तो यहाँ पे आप ऊपर जा सकते हैं, बैठने का है वहाँ पर, और इस तरह के बेंचेस जो हैं आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो खूब सारे यहाँ पे फ्लावर्स हैं और मैं फ़ोन से भी व्लॉगिंग कर रहा हूँ और GoPro से भी व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं और तानी बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। सो सनसेट भी होने वाला है और शाम के 5:30 बज चुके हैं, तो हमको जल्दी वीडियो और फोटो जो भी हमको बनाना है वो करना पड़ेगा, नहीं तो उसके बाद धूप जाने वाली है और उसके बाद रोशनी रहेगी नहीं। तो फिलहाल मैं और तानी देखिए यहाँ पे, अब मैंने उसको सारे बैग पकड़ा दिए हैं और तो अभी फ़ोटो वोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। सो गाइस, दोनों ने ड्रेस चेंज कर लिया और आप देख सकते हैं मैचिंग। हाउ यू लुकिंग? वी आर सेम राइट? सेम। तानी, सो हाउ यू फीलिंग नाउ? सो टायर्ड बट वी आर मैचिंग राइट? वी आर लाइक सेम। वी आर सेम। सो अब यहाँ पे फोटो खिंचाते हैं। वैसे गाना आपने कहीं सुना है? का एरोप्लेन, सो ये भी पूरा फूलों से ढका हुआ है और इसके अंदर आप नहीं जा सकते बट बाहर से आप पिक्चर्स वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है, जितना बड़ा कि नॉर्मली होता है ये उतना बड़ा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग देख सकते हैं आप, पूरे फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं और वीडियोज़ वगैरह। तो अभी फ़िलहाल मैं वॉशरूम में आया हूँ और काफ़ी लेट हो गई है, ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है तो अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। काफ़ी थक गए हैं, भूख भी लग गई है। सो गाइस, हमने फिर से ड्रेस चेंज कर ली है और जीन्स और टॉप, थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं फिलहाल। अंधेरा हो गया है, आप देख सकते हैं लाइट्स ऑन। So, सुनो ना प्लीज। हाँ क्या हुआ? सुनो ना, वैसे मुझे बोर कर दिया आपने, कहीं घुमाने भी नहीं लगे ढंग से। ऐसे क्या घुमाने? सुनो ना, आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। गिफ्ट क्या देना? क्या चाहिए तुम्हें गिफ्ट? मुझे चाहिए चॉकलेट, मुझे चाहिए टेडी बियर। टेडी बियर कोई देने वाली चीज है? आपको पता है ना, हर गर्ल्स को यही चाहिए होता है, टेडी बियर, चॉकलेट। तुम्हें टेडी बियर चाहिए? पक्का। फिर दोबारा मत मांगना मेरे से, चाहिए? हां हां पक्का। चलो ठीक है, ये लो फिर। कितना बड़ा टेडी बियर चाहिए बताओ? कितना बड़ा टेडी बियर चाहिए? ये वाला टेडी बियर नहीं चाहिए मुझे। इससे बड़ा टेडी बियर क्या देख सकता हूँ मैं? देखो
ये वाला नहीं चाहिए। सो गाइस तानी को टेडी बेयर मिल चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो ये जो टेडी बेयर है ये मेरा गिफ्ट है तानी के लिए और तानी बहुत ही खुश हो चुकी है देखिए मेरे टेडी बेयर से। सो तानी इस टेडी बेयर को आप कैसे ले जाओगे ये तो बताओ मेरे को, ये जो टेडी बेयर है इसको कैसे ले जाओगे? रूम तक ले जाना पड़ेगा ना इसको। We are so tired. सो गाइस मिकी माउस देख सकते हैं कितना बड़ा बनाया है पूरे फूली फूल लगा रखे और यहाँ पे चारों तरफ को डिफरेंट काइंड ऑफ फूल डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स। कैसा लग रहा है तानी, कैसा लग रहा है? बोर हो गई। Tani is bored now, so we have to leave the miracle garden now, right now, because she is bored. Yeah, I'm so bored. She's so bored. Yeah. As you can see, the people are taking selfie and they are taking too much video photos, but we are not because we took already. So we have to leave the miracle garden right now. और guys यहाँ पे देख सकते हैं आप ये live counter और live counter. सो यहाँ पे खूब सारे लाइव काउंटर हैं, आपको खाना खाना है, कॉफ़ी, आइसक्रीम, खाना, शॉर्मा, एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग। इफ़ यू आर हंग्री यू कैन हैव द फूड फ्रॉम हेयर, देर इज़ लॉट्स ऑफ स्ट्रीट फूड, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। टू मच लाइव, ओ माई गॉड। सो गाइज शाम के रात के बज गए 7:30 और वी आर सो मच टायर्ड, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ज़्यादा फोटो और वीडियो बना लिया है, मन नहीं कर रहा व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी। सुतानी सो आज का दिन ऑलमोस्ट हो गया है ख़त्म, ये भी एक मेमोरी अब बन चुकी है जो कि मैं यूट्यूब में अपलोड करने वाला हूँ। सो कभी भी लाइफ में जब भी हम दोनों को या किसी को भी देखना होगा हमने कैसे इंजॉय किया हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी, सो हम देख सकते हैं। फिलहाल मैं अपना आईफोन 6 प्लस यूज़ कर रहा हूँ, गोप्रो बैग में रखा हुआ है और फ़ोन हाथ में है तो मैं फ़ोन से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो ये फ्रंट कैमरा है आईफोन 6 प्लस का। तो तानी कैसा गया दिन? आज हमें एक साल पूरा हो गया है शादी को, बहुत ही अच्छा साल गया, बहुत ज़्यादा लड़ाई करी और बहुत ज़्यादा प्यार किया। सो फ्यूचर के लिए खूब सारी प्लानिंग करेंगे, खूब सारी मस्ती करनी है, इंजॉय करना है लाइफ को, लाइफ को इंजॉय करना ही लाइफ है, नहीं तो कुछ नहीं। आखिर में आप कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे, कैसा गया दिन आज का? लाइक और शेयर कीजिएगा। लाइक और शेयर, हाँ लाइक और शेयर करिए इस ब्लॉग को अगर आपको अच्छा लगा तो, और यही दो वर्ड तानी बोलना चाहेंगे, इसके अलावा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। फिलहाल हम यहाँ से पकड़ेंगे बस मॉल ऑफ इमरेट्स के लिए और वहाँ से हम डायरेक्ट टू रशीदिया बाय मेट्रो और उसके बाद जाएंगे हम इंटरनेशनल सिटी बैक टू द रूम। तो गाइज मैं आपको मिलता हूँ अब सीधा रशीदिया में। तो तानी बाय बाय बोल दो, बाय 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 मिरेकल गार्डन को, बाय बाय। अब मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, मे बी दिस ईयर, क्योंकि नवंबर में ओपन हो जाएगा। सो नवंबर और दिसंबर में अगर हम दोबारा आएंगे तो मे बी वी विल कम अगेन ऑन नवंबर एंड दिसंबर और मे बी इन 2019। सो सी यू सून, बाय। टू आवर्स लेटर। तो गाइस हम रशीदे पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ा सा हम बैठे हैं, समोसा खा रहे हैं मैं और तानी। तो अभी हम जाएंगे थोड़ी देर में रूम पे, यहाँ से पकड़ेंगे हम बस और उसके बाद जाएंगे हम रूम पे। तो गाइस मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, शायद ये लंबा हो चुका होगा या आई डोंट नो शॉर्ट है या लंबा है, ठीक है, अभी मैं एडिटिंग करूँगा। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इंडियन व्लॉग। बाय।